नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद रज़ा। खबरों के आगाज़ पर देखेंगे अहम सुर्खियां। मुखालिफ सरगर्मियों के बढ़ते हुए दबाव के पेश नज़र तेलंगाना में पुलिस एक्ट के निफाज की तैयारी, अवामी अदम इत्मीनान से निमटने और मुमकिन मुज़ाहमत के दरमियान हमवार हुक्मरानी को यकीनी बनाना मकसद। रियासती हुकूमत ने सरकारी हॉस्टल के तलबा के लिए खुराक और कॉस्मेटिक चार्जेस में किया इजाफे का ऐलान। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा तालीम और मुख्तलिफ फलाही महकमों के सेक्रेटरीज ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से किया इजहार तशक्कुर। रियासती वजीर जुपल्ली कृष्णा राव ने नागार्जुन सागर में वाक़ बुद्धाविनम के आसपास इलाकों का किया मुआयना। कहा, नागार्जुन सागर और बुद्धाविनम में सियाहत की तरक्की पर दी जा रही है खसूसी तवज्जो। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने मुफ्त गैस सिलेंडर स्कीम का किया इफ्तिताह। श्रीकाकुलम में एक खातून के घर गए और मुफ्त गैस सिलेंडर देकर खुद चाय बनाकर किया पेश। सदर जमहूरिया मुर्मू वज़ीर आज़म मोदी ने छत्तीसगढ़ की यौम तासीस पर आवाम को दी मुबारकबाद। रियासत की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। हिंदुस्तानी फौज का दस्ता गुरोर शक्ति मशक के लिए इंडोनेशिया के जकार्ता हुआ रवाना। दोनों अफवाज के दरमियान ये मशकें 12 नवंबर तक रहेंगी जारी। राजेश कुमार सिंह ने वजीरात दिफा के सेक्रेटरी का संभाला ओहदा। कौमी जंगी यादगार पर फूल चढ़ाए और शहीदों को पेश किया खिराज अकीदत। जरूरत पड़ने पर इसराइल ईरान में कहीं भी पहुंच सकता है, इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू का बयान। सुर्खियां आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने मुखालिफ सरगर्मियों के बढ़ते हुए दबाव के पेश नज़र रियासत भर में पुलिस एक्ट के निफाज की तैयारी कर ली है। कांग्रेस के ज़ेर क़ियादत हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। ये पेशरफ्त इस वक्त सामने आई है जबकि खुफिया इतलात ने हुकूमत को अवामी एहतजाजी मुजाहरे, धरनों, असम्बली के अरकान के घरों के मुहासरे और दीगर कार्रवाइयों के मुमकिन बढ़ने के बारे में खबरदार किया। पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि कांग्रेस की पॉलिसियों के खिलाफ मुतवक्के चैलेंजेस के पेश नज़र पुलिस एक्ट कानून को कानून और अमन को बरकरार रखने के लिए नाफिज किया जाएगा। ये एक्ट कानून नाफिज करने वाले इदारों को अवामी मुजाहरों के खिलाफ जवाब देने और सिक्योरिटी इकदाम नाफिज करने के लिए वसी इख्तियार देगा। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पार्टी के अरकान को मुतनबी किया है कि वो चौकस रहें और आने वाले दिनों में एहतजाजी सरगर्मियों के लिए तैयार रहें। कांग्रेस हुकूमत की पॉलिसियों पर बढ़ती हुई तनकीद के साथ अपोजिशन के रहनुमा ज़मीन की रेगुलराइजेशन, फलाही स्कीमों और नए इंतजामी असलाहत जैसे मसाइल पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। रियासती इंतजामिया का कहना है कि पुलिस एक्ट का निफाज अवामी अदम इत्मीनान से निमटने और मुमकिन मुज़ाहमत के दरमियान हमवार हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी तालीम बी वेंकटेश्वम और मुख्तलिफ फलाही महकमों के सेक्रेटरीज ने सरकारी हॉस्टल के तलबा के लिए खुराक और कॉस्मेटिक चार्जेस में इजाफा करने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। दिवाली के तोहफे के तौर पर अवामी हुकूमत ने रियासत के तमाम सरकारी हॉस्टल्स, SC ST BC अकलियती हॉस्टल्स, तेलंगाना गुरुकुला विद्या इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के हॉस्टलों में खुराक के चार्जेस में इजाफा किया है। हुकाम ने डाइट चार्जेस में इजाफे के हवाले से कमेटी की तजवीज़ पर अमल दरामद पर खुशी का इजहार किया। वज़ीर आला ने हुकाम को तजवीज़ दी है कि वह खुराक में तब्दीलियाँ और इजाफा करें ताकि तलबा को गजाइत मिल सके। वज़ीर आला ने वज़ीर आला को हुक्म दिया है कि वो 10 दिन के अंदर नई खुराक दस्तियाब कराएं। खुराक और कॉस्मेटिक चार्जेस में इजाफे से 7,65,705 तलबा मुस्तफीद होंगे। वजीर आबकारी व सियाहत जुपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि नागार्जुन सागर और बुद्धाविनम के आसपास के इलाकों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में स्टार होटलों की तामीर के साथ साथ वाटर स्पोर्ट्स को तरक्की देने के इकदाम किए जा रहे हैं। रियासती वजीर जुपल्ली कृष्णा राव ने आज श्री राम चंद्र मिशन के बानी
सदर कमलेश डी पाटिल दाजी और एमएलए के जय वीर रेड्डी के साथ नलगुंडा ज़िले के नागार्जुना सागर वाक़े बुद्धाविनम के आसपास के इलाकों का मुआयना किया। सबसे पहले उन्होंने विजय विहार में बुद्धाविनम लेआउट और विजय विहार लेआउट का जायज़ा लिया। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर पी प्रकाश रेड्डी और बुद्धाविनम के कंसल्टेंट शिवानागी रेड्डी ने रियासती वजीर और दाजी को 274 एकड़ पर फैले हुए बुद्धाविनम की खसूसियात के बारे में तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इस दौरान रियासती वजीर ने विजय विहार की अराजी के साथ साथ बुद्धाविनम के आसपास के इलाकों नागार्जुना सागर के आसपास की सरकारी ज़मीनों के बारे में दरियाफ्त किया। बाद अज़ा उन्होंने आसपास के इलाकों और दीगर मकामात का मुआयना किया। రోజున ఇక్కడికి రావడం పండుగ రోజున ఇక్కడికి రావడం కారణం ఏంటంటే ఈ నాగార్జున సాగర్లో నాగార్జునుడు నడయాడినటువంటి ఈ ప్రాంతాన్ని పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి చేసి తద్వారా టూరిజం డెవలప్మెంట్ చేయాలన్నటువంటి ఆలోచనతో గడచిన ఒక మాసం కింద ఇక్కడికి రావడం జరిగింది, మళ్ళీ రోజు రావడం జరిగింది. ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ నాగార్జునుడు నడయాడి ఈ ప్రాంతంలో బుద్ధవనం ఏదైతుందో ఈ బుద్ధవనం అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందినటువంటి బుద్ధవనం. ఇది చూడటానికి దర్శించుకోవడానికి ఇక్కడ ఉపవాసన చేయడం కోసం ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాల నుంచి వస్తూ ఉంటారు. आंध्र प्रदेश के वज़ीर-आला एन चंद्रबाबू नायडू ने मुफ्त गैस सिलेंडर की फरामी स्कीम का इफ्तिताह किया। स्कीम के इफ्तिताह के मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के सिरकाकुलम में खातून के घर गए और मुफ्त गैस सिलेंडर दिया। इस मौके पर वज़ीर-आला चंद्रबाबू नायडू ने खुद चाय बनाकर पेश किया। साबिक सदर जंगलात कॉरपोरेशन भारत राष्ट्र समिति पार्टी उमूर इंचार्ज बराए गजवेल हलका वी प्रताप रेड्डी ने आज मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की और इस बात का खदशा जाहिर किया कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना रियासत को दोबारा आंध्र प्रदेश में इंजमाम करने के दर पे हैं, जिसकी रियासत का हर शहरी शदीद मुखालिफत करेगा। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हालिया बयान के अनकरीब तेलंगाना में KCR का नामो निशान मिट जाएगा इसकी शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि चंद्रशेखर राव ने अपनी जान की बाजी लगाकर अलाइदा रियासत तेलंगाना को हासिल किया और अंदरून 10 साल रियासत को सुनहरा तेलंगाना बनाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के जायद अज 1 करोड़ एकड़ अराजी को सैराब करने के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए मलन्ना सागर, कोंडा पोचम्मा सागर और दूसरे आपाशी प्रोजेक्टों का जाल रियासत भर में बिछाया गया। सदर बल्दिया NCR राजा मौली, नायब सदर मोहम्मद जकीउद्दीन, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीरा, नायब सदर बल्दिया मोहम्मद जकीउद्दीन, साबिक जिला परिषद डॉक्टर पी मलेशम, एम श्रीनिवास, हज कमेटी के साबिका रुकन मौलाना मोहम्मद जाफर खान और दूसरे कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। मिस्टर वी प्रताप रेड्डी ने अपने बयान के दौरान बताया कि तेलंगाना रियासत में कांग्रेस पार्टी का इख्तदार और रेवंत रेड्डी का चीफ मिनिस्टर बनना साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की भीख और मनोने मन्नत है। उन्होंने बयानबाजी और जबान दराजी से कबल अपना और हुकूमत का मुहासबा करने का मशवरा दिया। మిషన్ భగీరథ ద్వారా ఇంటింటికి నల్ల నీళ్లు, గోదావరి నీళ్లు, కృష్ణా నీళ్లు ఇచ్చింది, వాటిని కృపగలుగుతారా? ఈ రాష్ట్రంలో మిషన్ కాకతీయ ద్వారా 10,000 చెరువుల కుంటలు నిర్మాణం చేసిండు, ప్రతి చెరువులో చేపలేసిండు, ప్రతి యాదవులకి గొర్రె పిల్లలు ఇచ్చిండు, వీటిని లేకుండా చేయగలుగుతావా? ప్రతి జిల్లాలో కలెక్టరేట్ నిర్మాణం చేసిండు, ప్రతి నియోజకవర్గంలో అసెంబ్లీ एमएलए क्या आफीस निर्माण చేసిండు, प्रति మున్సిపాలిటీ ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ నిర్మాణం చేసిండు, వాటిని లేకుండా చేయగలుగుతారా? ఎక్కడ ఏం చేయాలి, ఏమి లేకుండా చేయగలుగుతామని చెప్పి అలా రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతున్నారు. మరి గతంలో కూడా కళ్యాణ లక్ష్మి ఇచ్చినాం, షాది ముబారక్ ఇచ్చినాం,
న్యూట్రిషన్ కిట్ ఇచ్చినాం, కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చినాం, దళిత బంధు ఇచ్చినాం, దళిత రైతు బీమా ఇచ్చినాం. మరి ఇవన్నీ కూడా లేకుండా చేస్తావా? దాదాపు 70 లక్షల మంది మహిళలకి 2000 పింఛన్ ఇస్తున్నాం, రాకుండా చేస్తావా? ఇవన్నీ లేకుండా చేయడం నీకు సాధ్యమవుతుందా? కేసీఆర్ అంటేనే తెలంగాణ, తెలంగాణ అంటేనే కేసీఆర్. కడుపులో బిడ్డలు చెప్తుంది, 9 ముసలాయన అడిగినా చెప్తాడు. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించినటువంటి వ్యక్తి, భారతదేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని యొక్క రాష్ట్రం యొక్క గుర్తింపును చేసినటువంటి వ్యక్తి, అలాంటి వ్యక్తి పట్టుకొని నోటికి తీటుందని నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడితే ప్రజలు నిన్ను క్షమించరు. नारायण खेड़ मंडल के एक मौजे में एसएल फार्म हाउस के में रुकने संभली नारायण खेड़ डॉक्टर पी संजीवा रेड्डी ने क्रिकेट बॉक्स और क्राउन का इफ्तिताह अंजाम दिया और खुद उन्होंने क्राउन में क्रिकेट खेलकर बैटिंग की। बाद हजार रुकने संभली डॉक्टर पी संजीवा रेड्डी मुखातब करते हुए कहा कि हल्का संभली नारायण खेड़ में पहली बार इस तरह का क्रिकेट बॉक्स ग्राउंड कायम करने पर एसएल फार्म हाउस के मालिकान कृष्णा अशोक को मुबारकबाद पेश की। इस क्रिकेट बॉक्स ग्राउंड से क्रिकेट खेलने और क्रिकेट की तरबियत हासिल करने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि नारायण खेड़ में तामीराती काम जारी है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को बहुत जल्द मुकम्मल करके नौजवान तलबा और तालिबात के हवाले किया जाएगा। इस मौके पर कृष्णा अशोक, नवनाथ रेड्डी, शंकर मुदिराज, चंद्रशेखर, नसीमा रेड्डी, रमेश रेड्डी, सी लंगैया, श्रीनिवास रेड्डी, कांग्रेस कायदीन और क्रिकेट खिलाड़ी मौजूद थे। ముఖ్యంగా ఈరోజు చాలా సంతోషం, ఎందుకంటే ఇట్లాంటి క్రీడా మైదానం క్రికెట్ ఆడడానికి ఏర్పాటు చేసినందుకు వారికి నేను అభినందిస్తూ ఉన్నాను, కృష్ణకు మరి అశోక్ అందరికీ, వారి అందరికీ. ఎందుకంటే క్రీడలని మనం ప్రోత్సహిస్తే చాలా చెడు అలవాటు దుర్వ్యసనాలకు దూరంగా ఉంటారు. అట్లాంటిది ఎప్పుడో ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడ ఫామ్ హౌస్ ఏర్పాటు చేసి అన్ని విధాల ఒకసారి టూరిజం లాగా ఇక్కడ కాటేజెస్ కూడా ఏర్పాటు చేసి ఈ క్రీడలను ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నారు. ఇది మంచి ఉద్దేశం. ఇంతకు नारायण खेड़ में वाक़ TGRTC बस डिपो में आज ग्रांड हेल्थ चैलेंज हेल्थ कैंप मुनक़द किया गया, जिसमें बस डिपो में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन और उनके अफराद ख़ानदान की तिब्बी जांच की गई। ये तिब्बी मुआयना कैंप TGRTC MD की हिदायत के तहत किया जा रहा है। इस मौके पर नारायण खेड़ बस डिपो मैनेजर मलेशम ने बताया कि यह कैंप आज से 3 दिन तक जारी रहेगा। उन्होंने मुलाजमीन से अपील की है कि अपने अपने अफराद ख़ानदान के साथ आकर तिब्बी मुआयना करवाएँ। इस मौके पर उनके हमरा असिस्टेंट मैनेजर नरसिम्लो, सीनियर ट्रैफिक इंस्पेक्टर नंदलाल पांडू, डॉक्टर्स, नर्सेस के अलावा मुलाजमीन, उनके अफराद खानदान मौजूद थे। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर भारी मकदार में मंशियात को जब्त कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक DRI हुकाम ने तकरीबन 7 करोड़ रुपए की मंशियात जब्त की हैं। DRI हुकाम ने बैंकॉक से आने वाले 2 मुसाफिरों को मंशियात के साथ हिरासत में लेकर पूछ को शुरू कर दी। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने 19 किलो के कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 62 रुपये का इजाफा का ऐलान किया है। बढ़ती हुई कीमतों के साथ हैदराबाद में तजारती LPG की कीमत 2028 रुपये तक पहुंच गई, दिल्ली में 1802 रुपये तक पहुंच गई है। विशाखापट्टनम के गोपालपट्टनम में जनसेना पार्टी के दफ्तर में आग लग गई। मकामी लोग खौफ के मारे भाग खड़े हुए। आतिशदगी के वाक़े में दफ्तर मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में आज एक तेज़ रफ्तार कार ने KBR पार्क की गर्ल्स से
ग्रिल से टकरा गई। हादसे के फौरी बाद ड्राइवर फरार हो गया। शुबा किया जा रहा है कि ड्राइवर शराब के नशे में था। खुशकिस्मती से हादसे के बाद कार के एयरबैग्स खुल गए, जिसके नतीजे में कोई चोट नहीं लगी। इस वाकये की इतला के साथ पुलिस ने मकामी वाकया पहुंचकर जाब्ते की कार्रवाई करते हुए इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। चार नाबालिग लड़कों ने आठवीं जमात की तालिबा किस्मत दरी की। तफसीलात के मुताबिक कराबा ज़िले के डोमा थाने में आठवीं क्लास में पढ़ने वाली 13 साल लड़की को चार नाबालिगों ने ज्यादती का निशाना बनाया। लड़की के वालदेन की शिकायत पर पुलिस ने चार कमसिन बच्चों को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे ब्रेक के बाद। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा के ज्ञान से सवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है, ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। वन विजिट कैन चेंज योर लाइफ। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। बी द शो स्टॉपर, बी द शो रनर, शो हाउ इट्स डन। कम सेलिब्रेट द ब्राइड्स ऑफ इंडिया विद मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।